1,00,000 रुपये कमाने के लिए आपके हिसाब से कौन सा तरीका सही है? शायद आपके दिमाग में बहुत से तरीके आ रहे हो, लेकिन क्या ये लेजिटिमेट वे है जिनसे आप पर मंथ 1,00,000 इनकम कर सकते हैं? हो सकता है आपको जवाब हाँ में मिले या फिर ना में, क्योंकि आपने कभी उन बिजनेस आइडियाज को प्रैक्टिकली यूज ना किया हो। लेकिन आज हम यहाँ पर कुछ ऐसे अर्निंग टिप्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि प्रैक्टिकल हैं, और आप उनके द्वारा कम से कम हर महीने 1,00,000 रुपये कमा सकते हैं। इंडिया में प्रोफेशनल जॉब करने वालों की सैलरी एवरेज 20,000 से 30,000 रुपये होती है, और गवर्नमेंट जॉब करने वालों को इससे थोड़ा ज्यादा मिलता है। ऐसे में 1,00,000 पर मंथ अर्न करने के लिए आपके पास एक ही आसान और बेस्ट रास्ता है, खुद बिजनेस स्टार्ट करना। और यही तरीका है जो आपको इजी वे से पैसे कमाने में मदद कर सकता है। 1,00,000 रुपये महीने कैसे कमाएं? इंटरनेट किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बेस्ट मार्केट प्लेस, एडवाइजर, टीचर, टीम या बिजनेस पार्टनर है, जो हमसे बिना सवाल पूछे हमें हर सवाल का जवाब देता है। आज इसकी मदद से बहुत से लोग करोड़ों रुपए हर महीने अर्न कर रहे हैं, और बहुत से लोग बस स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि सभी लोग एक ही जैसे आइडिया पर काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपको रियली 1,00,000 पर मंथ अर्न करना है, तो आपको पहले ये समझाना होगा कि आप जो काम करने जा रहे हैं उस बिजनेस आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या करना होगा, और उसके फेलियर का कारण हो सकता है। तभी आप यहाँ बताए गए बिजनेस आइडियाज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके मनी मशीन में कन्वर्ट कर पाएंगे। 1. बुक लिखें। जब किसी सक्सेसफुल इनकम सोर्स की बात की जाती है, तो उसमें बुक राइटिंग एंड पब्लिशिंग का एक अहम योगदान माना जाता है। केवल बुक लिखकर दुनिया में बहुत से लोग अरबपति हो गए हैं, जिसमें से एक नाम है हैरी पॉटर की लेखक J.K. रॉलिंग का। अगर आप किसी भी फील्ड में अच्छी जानकारी रखते हैं, तो आप खुद से अपनी एक बुक लिख सकते हैं और उसे पब्लिश कर सकते हैं। ये आपके लिए लाइफटाइम अर्निंग सोर्स बन सकता है, क्योंकि जब तक आपकी बुक मार्केट से खरीदी जाएगी, तब तक आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, कैसे लिखे बुक। वह व्यक्ति जो कि ब्लॉगर, कंटेंट राइटर, जर्नलिस्ट, रिसर्चर है, तो उसके लिए बुक राइट करना ईजी होता है, क्योंकि वह इस काम को रेगुलर बेसिस पर करते रहते हैं। बट एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, यूट्यूबर या फिर किसी भी ऐसे फील्ड से है जहां आपको कंटेंट की जरूरत नहीं होती या शॉर्ट कंटेंट जरूरत होते हैं, उनके लिए बुक लिखना आसान नहीं है। ऐसे में उस व्यक्ति को पहले बुक राइटिंग प्लान बनाना होगा, तब वह आपके स्ट्रेटेजी थॉट को बाइंड करके एक बुक का रूप दे पाए, जिसे बाद में सेल करके लाखों रुपये कमा सके। यहाँ पर कुछ बेस्ट सेलर्स के प्रूवन बुक राइटिंग टिप्स के बारे में बताया गया, जिसे फॉलो करके कोई भी अपना बुक लिख सकता है। बुक लिखने के लिए सबसे जरूरी है टाइम एंड स्पेस, मतलब आप बुक कब और कहाँ लिखेंगे। बुक राइट करने के लिए शांत और एकांत चाहिए, और इसके साथ बुक के सबसे जरूरी हिस्से को मॉर्निंग में 4 बजे से 6 बजे के बीच लिखें। बुक को लिखना स्टार्ट करने से पहले उसकी टॉपिक से जुड़े सभी टूल्स, केस स्टडीज, इमेजेस, इंडेक्स टेबल सब कुछ रेडी कर ले। अपने कंप्लीट राइटिंग प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे और उसका एक समत निर्धारित कर दे, ताकि उसे बेहतर बेहतर से तरीके से ब्रीफ में एग्जाम्पल के साथ लिख सके। बुक लिखते समय हमेशा एक रीडर की तरह सोचे और उसी को ध्यान में रखकर लिखे। राइटिंग के समय जरूरत पड़ने पर किसी एक्सपीरियंस राइटर और मेंटर की मदद ले। बुक से 1,00,000 रुपये कैसे कमाएं? बुक ऑनलाइन पब्लिश कहां करें? इस सवाल का जवाब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पर आप किसी भी टॉपिक के सामने बुक लिखकर सर्च करोगे, तो आपको खुद बहुत से प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां आप अपने बुक को सेल कर सकते हैं। इसमें से कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म हैं Amazon Kindle, Google Books। इसके साथ बहुत से जगह हैं जहां आप खुद के फ्री ईबुक स्टोर ओपन कर सकते हैं और डायरेक्टली बुक सेल कर सकते हैं, जैसे कि Instamojo। बुक को ऑनलाइन पब्लिश करते समय आपको इसका एक निर्धारित मूल्य रखना होगा, और इसी हिसाब से आप एक स्ट्रेटजी बना पाओगे कि कितने लोगों को सेल करके आप पर मंथ 1,00,000 अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपने बुक की कीमत 100 रुपये रखी, तो 1,00,000 रुपये कमाने के लिए आपको 1,000 लोगों को बुक बेचना होगा, और इसी के हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना होगा, जैसे कि ऑर्गेनिक बुक प्रमोशन, बुक रिव्यू, पेड प्रमोशन। 2. ब्लॉग शुरू करें। ब्लॉगिंग से जुड़ा एक सवाल है कि कैसे आप अपने फ्रेंड फैमिली को बताएं कि आप एक ब्लॉगर हैं। इसके बारे में शाउट मी हिंदी में काफी अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया गया है, लेकिन अगर आपकी इनकम पर मंथ 1,00,000 रुपये हो, तो शायद आपसे कोई ये सवाल पूछेगा ही नहीं कि आप करते क्या हो। शायद मैं ब्लॉगिंग से हर महीने 1,00,000 रुपये कमाने की बात कर रहा हूँ, तो आपको यह एक नामुमकिन लगे और लगना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया में 90% ब्लॉगर फेल हो जाते हैं, और वह बड़ी मुश्किल से हर महीने
5,000 से 6,000 रुपए अर्न कर पाते हैं। फेल हो जाने का जो सही कारण है वो सही जानकारी ना होना। अगर आपको ब्लॉगिंग से 1,00,000 पर मंथ अर्न करना है तो पहले आपको एक अच्छा रीडर बना होगा, एक अच्छा कस्टमर बनाना होगा, तभी आप ब्लॉगिंग में सक्सेस पा सकते हैं। हाउ टू मेक वायरल ब्लॉग एंड मेक 1,00,000 पर मंथ। ब्लॉग एक ऐसा तरीका है जिससे 1,00,000 पर मंथ अर्निंग नहीं इससे कहीं ज्यादा कमाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले एक बेहतर नीश ब्लॉग क्रिएट करना होगा, यानी एक ऐसा ब्लॉग बनाना होगा जिस पर बेहतर CPC और ट्रैफिक मिल सके। एक वायरल ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले आपको रिसर्च करना होगा, टेक्स्ट और वीडियो दोनों तरह के कंटेंट में, और एक रिपोर्ट बनाना होगा कि किस तरह एक टॉपिक्स इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल है। अपने बनाए गए रिपोर्ट के हिसाब से खुद एनालिसिस करना होगा कि आप इन टॉपिक्स में से किस में सबसे बेहतर कर सकते हैं। जिसमें भी बेहतर आप पोस्ट लिख सकते हैं और लंबे समय तक लिख सकते हैं, उस टॉपिक को सिलेक्ट करें और उससे रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च करें और कीवर्ड्स का पूरा लिस्ट तैयार करें। सभी कीवर्ड्स के हिसाब से अलग अलग कम से कम 3 से 4 मंथ रेगुलर पोस्ट करने के लिए टाइटल बनाए हैं जो कि यूनिक, शेयरेबल और ऑप्टिमाइज हो। हर एक टाइटल के लिए कम से कम 1,000 वर्ड्स का आर्टिकल बनाए जिसमें इमेज, टेबल और पॉइंट्स का प्रयोग जरूर करें। पोस्ट को रेगुलर बेसिस पर शेयर करें और अपने जैसे ब्लॉग पर गेस्ट पोस्ट करें, साथ में सोशल मीडिया पर बेहतर एंगेजमेंट बनाएं। अगर अपने इन टिप्स को फॉलो करके लगातार 4 से 5 मंथ काम किया तो आपके ब्लॉग अच्छी खासी ट्रैफिक आने लगेगा और पहले 1,00,000 मंथ, 2,00,000 मंथ और जैसे जैसे आप हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क करते जाएंगे आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक इंक्रीज होता जाएगा। जब आपके ब्लॉग पर 5,00,000 ट्रैफिक पर मंथ आने लगेगा तो, और अगर आपके ब्लॉग पर गूगल एडसेंस का RPM रेवेन्यू पर माइल $3 है तो आप बहुत आसानी के साथ करीब $1,500 पर मंथ यानी 1,05,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं। ब्लॉग को बेहतर बनाने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें। 3. बिकम ए यूट्यूबर। यूट्यूब ने आज कुछ लोगों को ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जिसकी वह सपने में भी कल्पना नहीं किए होंगे। यूट्यूब की वजह से हर मंथ मिलियंस में अर्निंग कर रहे हैं, जिसमें से कुछ पॉपुलर है भुवन बाम, अमित बड़ाना। यूट्यूब में ब्लॉगिंग से रिस्क कम है, ऐसे में अगर आप एक यूट्यूब चैनल सेटअप करते हैं किसी बेटर यूट्यूब टॉपिक्स पर तो पर मंथ 1,00,000 अर्निंग इजी तरीके से कर सकते हैं। चैनल सेटअप करके बेहतर कैसे बनाना है आपको सारी जानकारी यहां से मिल जाएगा। हाउ टू अर्न 1,00,000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम यूट्यूब। यूट्यूब इनकम डिपेंड करता है चैनल के लाइफ साइकिल पर, मतलब चैनल के परफॉर्मेंस कैसा है, वीडियो को कितने समय तक देखा जा रहा है और हर महीने चैनल पर कितना व्यूज आता है। अगर आपके चैनल पर हर महीने 3 मिलियन व्यूज आते हैं तो आपको $2,500 व्यूज के $1 मिलेंगे, यानी हर मंथ 3 मिलियन व्यूज की अर्निंग होगी $1,500। यह कैलकुलेशन बहुत सारे चैनल के इनकम रिपोर्ट को देखने के बाद निकला गया है। ऐसे में आपको अगर यूट्यूब से 1,00,000 पर मंथ अर्न करना है तो आपको चैनल पर कम से कम 3 मिलियन व्यूज हर महीने लाने होंगे। यूट्यूब की इनकम आपके चैनल कैटेगरी पर निर्भर करता है। दोस्तों, 1,00,000 पर मंथ अर्न करने के लिए यह सबसे नायाब और प्रैक्टिकल तरीके है जिनका यूज करके आप हजारों लोग इनकम कर रहे हैं। उम्मीद है आपको भी ये अर्निंग टिप्स पसंद आया हो और इनमें से कोई एक आपका लाइफस्टाइल चेंज कर दे। आपको ये टिप्स कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखें और साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।